हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल चार्ज में 76 किलोमीटर चलने वाली फियाट टोपोलाइन की कार की खासियत के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑटोमोबाइल कंपनी फियाट ने बाजार में टोपोलिनो ईवी को पेश कर दिया है। यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार सिट्रोन अमी जैसी लगती है, जिसका लिमिटेड रग्ड वर्जन हाल ही में पेश किया गया था। टोपोलिनो ईवी मौजूदा फियाट 500 सीरीज से छोटा मॉडल है। इसे ब्राउन कलर के कपड़े से तैयार रिक्रोक्टेबल रूफ, रीडिजाइन फ्रंट एंड और क्रीम लेदर सीट्स दी गई है। यहाँ हम आपको फियाट टोपोलिनो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन से लेकर कीमत आदि के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। फिलहाल टोपोलिनो की कीमत को लेकर फियाट ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सिट्रोन अमी यूरोप के कुछ हिस्सों में लगभग 340,000 रुपये के डाउन पेमेंट पर लीज पर उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि फियाट टोपोलिनो की कीमत सिट्रोन अमी जैसी ही हो सकती है। टोपोलिनो में वही ड्राइव ट्रेन है जो सिट्रोन अमी में दी गई है। ये ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि फियाट और सिट्रोन दोनों ही स्टेलेंटिस ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। फियाट टोपोलिनो में किनारे खुले हैं। ये इलेक्ट्रिक कार में 5.5 किलोवाट की ईवी बैटरी दी गई है, जो कि एक बार चार्ज होकर 76 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टोपोलिनो की अधिकतम स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फियाट टोपोलिनो के इंटीरियर की जानकारी नहीं दी गई है। ये काफ़ी हद तक सिट्रोन अमी के इंटीरियर जैसा हो सकता है, जिसमें एक चार्जिंग पोर्ट और एक फोन होल्डर मौजूद है। टोपोलिनो एक प्रकार से क्वाड्री साइकिल है और इसे शहर में चलाने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। फियाट के अनुसार टोपोलिनो कार का डिजाइन युवाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। फियाट का कहना है कि नई ईवी कस्टमर के लिए शहर में इस्तेमाल के लिए बेस्ट और मजबूत ऑप्शन के साथ आती है। स्टेलेंटिस ने 2030 तक बीईवी की 100% पैसेंजर कारों के लिए बिक्री टारगेट रखी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।